जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि कोई भी फोन बजता है तो हम यही सुनते हैं कि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, और जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। जी तो हम भी यही कहेंगे कि 2 गज की दूरी और इम्यूनिटी भी है जरूरी, क्योंकि जी कोरोना से बचाव के लिए जो को एक फिजिकल डिस्टेंस 2 गज की दूरी है वो रखना बहुत जरूरी है, मास्क को पहनना जरूरी है, हाथ का जो हैंड सैनिटाइजेशन है वो जरूरी है, क्योंकि कोरोना का जो वायरस है या तो हाथों को टच कर से वो मुंह से अंदर जाता है या नाक से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जाता है। तो इसके लिए हमें फिजिकल जितने भी प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ द वायरस इनटू सिस्टम, ये जरूर ख्याल रखना चाहिए आज भी अभी भी, क्योंकि आज के दिन में भी 10,000 पेशेंट है, मतलब कोरोना टोटल कम जरूर हुआ है, आज भी 137 डेथ हुई है, सबसे 8 महीने में सबसे कम है, फिर भी हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। और इसमें आयुर्वेद में जो कहा है कि आप गरारे करिए गर्म पानी में हल्दी नमक डाल के, वो करना चाहिए, नाक में नेजल ड्रॉप्स जो ऑयल, कोई भी नाक में अनु तेल है या तेल, कोई भी तेल है, सरसों का या तिल तेल या कोकोनट ऑयल या घी लगाना चाहिए, जिससे वायरस का नाक की जो अंदर की जो त्वचा है नेजल एपिथेलियम, इससे संपर्क नहीं आता, वो फिजिकली हम प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी जो एडवाइजरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जारी की है जिसमें ऑयल पुलिंग, जैसे गर्म पानी में 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच तेल डाल के नाक मुंह में रखना, ये भी करना चाहिए। तो गर्म पानी पीना चाहिए, डबल मास्किंग हो गया जैसे अणु तेल है और मास्क से, तो ये हम वायरस की एंट्री प्रिवेंट करते हैं, वायरस को अंदर नहीं जाने देते, ये सभी सावधानी बरतने से। दूसरा सवाल आपने पूछा था कि इम्यूनिटी किस तरह से बढ़ाने के जाए? लिए, जैसे कि आपने कहा कि बाह्य वातावरण को शुद्ध रखिए, वायरस को अंदर जाने ना दे, जैसे कि आप जहाँ बहुत भीड़ है वहां जाते हो तभी भी आपको मास्क तो जरूर रखना है, लेकिन अपनी इम्यूनिटी को अगर मजबूत रखना है तो जो आयुष मिनिस्ट्री ने जितने भी इम्यूनिटी बढ़ाने के, इम्यूनिटी को मजबूत रखने की, इम्यूनिटी बढ़ाने से भी ज्यादा हमारी जो व्याधि प्रतिकारक क्षमता संरक्षण संस्था को मजबूत रखना बहुत जरूरी है।